गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी बेटा. मैम कल मैं क्या कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आउट हो गया था. तो मैम मैंने कई बार ट्राई करा मीटिंग में आने का, लेकिन मैम इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा था वो. नहीं बच्चे तो थे क्लास में पर हमारे साथ. मैम मैंने कल मैसेज भी डाला था ग्रुप पे. बेटा हम क्लास स्टार्ट होने के बाद मोबाइल उठाते नहीं है जनरली, तो इसलिए हो सकता है हमने आपका देखा ना हो, है ओके मैम. हाँ so what do we मैम have ओनली टू स्टूडेंट्स इन द क्लास. what do we have today in the class मैम ज्योग्राफी. we have geography right ज्योग्राफी. so let me share the screen with you all. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. मैम कैन आई ब्रिंग व्हाट कैन आई ब्रिंग द बुक. हाँ हाँ यू कैन. ओके मैम. कैमराज ऑन क्लास. कैमराज ऑन. बेटा यू नीड द यू नीड टू कीप द कैमराज ऑन चिल्ड्रन. सचिन कार्तिके शेखर शाह. मैं 1 मिनट. सृष्टि आर यू देयर. सृष्टि आर यू देयर. सृष्टि हैज नॉट जॉइन. चलिए बेटा कल हम लोगों ने कहां तक करा था बताओ. बेटा कल कहां हमने ज्योग्राफी कहां तक करा हुआ है प्लीज लेट मी नो. मैम वी हैव टू स्टार्ट लैंड रिसोर्स. अच्छा इसका मतलब हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है. ठीक है चलो. लैंड रिसोर्सेज में हियर दे इन द फर्स्ट पैराग्राफ वुड यू रीड फर्स्ट और शैल आई एक्सप्लेन. मैम एक्सप्लेन. लवलीश. लवलेश सॉरी लवलेश. हाँ बेटा रीड लैंड रिसोर्सेस. ओके मैम. We live in on land. We perform our economic activities on land. We use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport, and communication systems.
However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various with careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensures perennial flow of some पेरिनियल का मतलब क्या होता है बेटा? मैम पैरेलल नहीं, पेरिनियल, पैरेलल इज डिफरेंट, पेरिनियल इज डिफरेंट बेटा। पेरिनियल रिवर्स पढ़ी है ना हमने क्लास नाइन्थ में, गंगा ब्रह्मपुत्र और पेरिनियल रिवर्स, कृष्णा गोदावरी कावरी और नॉन पेरिनियल रिवर्स। मैम जो एक साथ में फ्लो करते हैं। हाँ मैम जो एक साथ में फ्लो करते हैं। एक साथ में नहीं, जो साल भर फ्लो करते हैं। पेरिनियल विच हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर। यस मैम, यस मैम, विच हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर। हाँ ठीक है, चलो कैरी ऑन। यस मैम, parallel flows of some rivers provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forests. ठीक है, बस रुक जाओ। Okay. It is telling you that land resource, when we talk of the land resources, we know that we all live on the land and there are various economic activities that are performed on the land. Land is used for various activities. Can you name some of the activities for which land is used, Ayush? Ma'am. Batao beta. Ma'am, agricultural land, और बताओ। मैन ह्यूमन लाइफ। हाँ ह्यूमन लाइफ लिव। ठीक है मैम। यस इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड एटसेट्रा। Very good. All from book. क्या बुक वाले ही बता दिए? ठीक है, हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करने की बात होती है बेटा। It is all about how you use the presence of mind, है ना? Yes ma'am, this is the right way. जो है उसके बहुत various uses होते हैं। हम cultivation के लिए use करते हैं, हम अपना घर पे बनाते हैं, ठीक है, फिर हम industry setup करते हैं, हम factories बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारा जितने भी रोड्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है डिपेंड्स ऑन द लैंड, फिर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कई सारे पर्पसेस को सॉल्व करता है, जिसका कि एक बहुत ही ह्यूज यूजेज है, ठीक है। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स विच हैज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इट सपोर्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन। अगर आप देखो भाई, लैंड एरिया ही तो है जिसके ऊपर फॉरेस्ट जो है, सारे फॉरेस्ट कवर होते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जो पेड़ पौधे उगते हैं उस वेजिटेशन को कौन सपोर्ट करता है? लैंड ही सपोर्ट करता है, ऐसा तो नहीं है पानी में उगा वेजिटेशन, नहीं ना? यस मैम। देन यस मैम, ह्यूमन लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ अगर आप देखो तो जितने भी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, जहां जहां पे भी वेजिटेशन का कवर थिक होता है, उन जगहों पे यू कैन फाइंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हमारे कंट्री में वो एरियाज जहां पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, उन जगहों पे वाइल्ड लाइफ की वैरायटी वी हैव, ठीक है। और फिर लैंड ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें कि हम ये इंश्योर कर सकते हैं बाय मेकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, हम वाइल्ड लाइफ को और इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है बेटा? ओके मैम, ठीक है, यस मैम। दूसरी चीज वो ये कहता है कि आपका जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, भले ही वो कल्टीवेशन हो, भले ही वो आपका इंडस्ट्री सेटअप करना हो, या फिर वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम हो, या बैंक का हो, या फिर आपकी इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी वो पार्ट जो टर्शरी का पार्ट होता है, कह रहा है ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी लैंड पर ही हम इनहेंस करते हैं। हम कहीं आसमान में जाके तो एक्सचेंज नहीं करते हैं ना इन चीजों को, लैंड पे रहके ये सारे काम करते हैं हम। यस मैम, यस मैम। कहता है हाउएवर, ठीक है, हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब इनफाइनाइट का होता है मैम, बहुत सारे जिसको हम काउंट नहीं करते। म्यूट रखो, जो बोल रहा है वही खोलो, इतना शोर मत करो पीछे से। हाँ जी बताओ मैम। मैम जिसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट का मतलब नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, ठीक है। और कह रहा है फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो लिमिटेड होता है। यस मैम, ना, तो कह रहा है कि जो लैंड है हमारे पास वो एक फाइनाइट मैग्नी, उसका जो एसेट, जो हमारा लैंड एसेट है, इट इज ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब साइज अमाउंट। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज और अमाउंट ही तो होता है। तो वो कह रहा है हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास लैंड जो है इट इज एन एसेट, और ये जो एसेट है ये बहुत बे इंतहा मात्रा में नहीं है हमारे पास का। जो बेटा ये कौन है जिसने अपने आप को म्यूट नहीं करा हुआ है, इज इट यू कार्तिक? बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट करो, इतना शोर हो रहा है पीछे से। हाँ जी, तो कह रहा है ये जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास लैंड एरिया एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है, एक मतलब हम काउंट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो टोटल ज्योग्राफिकल लैंड है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, इतना ही तो है। yes, ma'am. तो कह रहा है हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बहुत जरूरी, बिकॉज वी हैव लैंड इन अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, सो वी आर सपोज टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज विद प्रॉपर केयरफुल प्लानिंग। We cannot use land without planning, because we know if we do not plan the land usage, we may land into trouble. भाई जो land हमारा agricultural land है उस पर हम construction करके बैठ जाएं, और जो हमारा residential area के लिए land है या जो barren land है, जो कि infertile land है, उस पर हम जो है खेती करें, तो क्या होगा, ये तो vice versa वाली situation हो जाएगी, जहाँ पे हम अपने ही गलत decisions की वजह से हम जो है troubles में land कर जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ेंगे उस बैरन लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए, है, और जो हमारा फर्टाइल लैंड था उस पर हमने घर बना के छोड़ दिए या हमने कुछ और कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो वी नीड टू प्लान द यू नो यूजेज ऑफ दिस लैंड रिसोर्स इन विद अ वेरी केयरफुल प्लानिंग। वी के नॉट यूज एनीथिंग एनी टाइम एनी वे दैट वी वॉन्ट, वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट। अब जैसे सेकेंड पैराग्राफ टेल्स यू कि इंडिया हैज अ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स आप जानते हैं क्या होता है, जो वेरियस लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं ना। यस मैम, यस मैम। इज द रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, कैन एनीबॉडी टेल मी? यस मैम, यस मैम। इट सेज दैट वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेट्यूज, वी हैव प्लेन्स, वी हैव आइलैंड्स, दीज आर ऑल द वेरियस रिलीफ फीचर्स ऑफ द लैंड। नाउ इट सेज that approximately 43% of the land that we have is a plain region, is a plain area, though plain does not mean completely smooth. We basically talk that we are not talking of the uneven terrains that we have. Plains mein bhi hamare paas uneven terrains hote hain, but amuman hum plains jab hum kehte hain to hamare kehne ka matlab ye hai ki ye wo land area hai jisko hum utilize kar sakte hain for agricultural purposes ya industry ke setup karne ke liye, theek hai? Clear? Yes, ma'am. Then yes, it says, then yes, it says, ma'am. We have mountains, which is only 30% of the total surface area. Or mountains, hame kya best facilities dete hain? They provide us with the parallel flow of rivers. They also provide us facilities for the tourism and the ecological aspect. अगर आप देखो तो ऊपर जो जो mountainous areas हैं, वहाँ पे ecological balance बड़ा अच्छा है।
क्योंकि वहां पे पोल्यूशन ज्यादा नहीं है, वहां पे जो है जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो मतलब जो वहां पे सेटलमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दी प्लेन्स. आप देखो प्लेन्स में कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज मोर, बट इन द माउंटेनियस रीजन द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज क्वाइट लेस. यस मैम. फिर ये कहता है कि 27% जो है, अच्छा और फिर पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखो तो टूरिस्ट जो है ज्यादा जाना पसंद करते हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि भाई गर्मी हुई तो दे प्रेफर गोइंग टू द हिल एरियाज, तो उस वजह से जो माउंटेन्स है वो आपको टूरिज्म के लिए भी प्रोविजन प्रोवाइड कराते हैं, तब टूरिज्म से भी जो है हमारे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, फाइनेंसेस आते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रीजन, और वो टूरिज्म टूरिस्ट आते हैं, इसकी वजह से वो एरिया भी डेवलप हो जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द रिमेनिंग 27% ऑफ द लैंड एरिया, तो वो हमारा प्लेटू रीजन हो गया. हमें पता है प्लेटू रीजन में जो हमारा जो लैंड है वो काफी रॉक सॉलिड होता है, काफी सॉलिड जो है मतलब सरफेस होता है वो, और प्लेटू रीजन इज नोन फॉर द मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, राइट क्लास? यस मैम. तो ये जो मिनरल्स है, हाँ, तो प्लेटू रीजन है रिच इन रिजर्व्स से मिनरल्स हो गए, आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, आपके फॉरेस्ट एरियाज हो गए. अगर आप देखो प्लेटी रीजन में आपको ये सब मिलता है ना? ठीक है. यस मैम. तो ये दो तो अच्छा, दिस डायग्राम टेल्स यू दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लेन्स वी हैव, व्हाट परसेंटेज ऑफ माउंटेन्स वी हैव, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लेटूज वी हैव. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, इस पे आपको एक क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, शैल आई गिव यू दैट क्वेश्चन और afterwards? Well, afterwards. Now coming to the land utilization. Ishika, आप हो क्लास में बेटा? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा, land utilization. Land resources are used for the following purposes. First, forest. Second, land not available for cultivation. A, barren and wasteland. B, land put to non-agriculture uses, example, building roads, factories, etc. Third, other uncultivated lands. Hello, beta. Ma'am, just a second. इसी का पढ़ो बेटा. मैम, शुड आई स्टार्ट? हाँ. थर्ड, अदर अनकल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड. ए, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. बी, लैंड अंडर मेसिल. मैम, व्हाट इट इज रिटन? वेयर? Miscellaneous. Where? And third B. Third ka B. Land under miscellaneous tree, crops, grooves, not included in net sown areas. Padho. C. And what are the meaning of that word? Abhi let her read. I am coming. I'll explain. Don't worry. Okay, ma'am. C. Cultivable wasteland. Left uncultivated for more than 5 agriculture years. Fourth, fallow lands. A, current fallow left without cultivation for one or less than one agriculture year. B, other than current fallow left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture years. Fifth, net sown area. Area sown more than once in an agriculture year. प्लस नेट सॉन एरिया इन नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया. चलिए ठीक है, वेरी गुड.
Now coming to the land utilization, it tells you that land resources are used for the following purposes. We have read that what is land resource and how we have a finite magnitude of land resources as an asset with us. So how we can use it? They have given you varied uses on the basis of the relief features, right? Now how exactly we are using the land, that we are going to read here. It tells you that land resources are used for the following purposes. First purpose is forests. We all know that forests are quite important for any country, because these forests, what do? They maintain the oxygen level, ecological balance of the place. Yes, right? Ecological balance. Then we have land which is not available for cultivation. Like हम लैंड का मैक्सिमम यूज जो करते हैं वो कल्टीवेशन के लिए करते हैं, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए. बट ये कह रहा है कि कुछ ऐसे लैंड है जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बैरन लैंड है या तो वो वेस्ट लैंड है. अब बैरन लैंड और वेस्ट लैंड का मतलब क्या हुआ? बैरन लैंड क्या होते हैं पता है आपको? यस मैम, जिसमें मैं एग्रीकल्चर करते हैं इसकी फर्टिलिटी नहीं होती है, जैसे फर्टिलिटी नहीं होती है. वेस्ट लैंड, हां, क्या होता है बैरन का मतलब? जहाँ पे मैम फर्टिलिटी नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती है. अब कह रहा है बैरन लैंड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो लैंड जो कि हम कल्टीवेशन में यूज नहीं कर सकते. अब जैसे जो हिली टेराइन्स होते हैं, है ना, डेजर्ट्स, इन एरियाज में आप कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते हो, तो ये बैरन लैंड हो गया. ठीक है, अब आप वेस्ट लैंड पे आते. वेस्ट लैंड क्या होता है? वेस्ट लैंड वो लैंड होता है जो कि बहुत टाइम से जिसपे कुछ कल्टीवेट नहीं किया गया है. ठीक है, से फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल से कोई खेती नहीं हुई है उसपे, तो उसको हम वेस्ट लैंड कंसिडर करते हैं. क्या करते हैं? वेस्ट लैंड. और इस वेस्ट लैंड पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बेकार हो गया है, ये खेती के लायक नहीं होता है. ठीक है, तो बैरन और वेस्ट लैंड का मतलब समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लैंड दैट इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. अब भाई सारी जमीन जितनी अवेलेबल है उस पर हम खेती तो नहीं कर सकते, कुछ लैंड जो है वो हमें नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी चाहिए होते हैं. भाई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्रीज के सेटअप के लिए. तो जो ये वाला लैंड है वो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो गया. इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है मेरे को बेटा? नो मैम. फाइन, देन कम्स अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. अब ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जिसमें कि फेलो लैंड को इंक्लूड नहीं करा जाता. अब ये परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड क्या होते हैं आप जानते हैं? व्हाट आर परमानेंट पैस्चर्स? व्हाट आर परमानेंट बेयर ग्रेजिंग मैम लैंड? क्या होता है इसका मतलब? मैम वेयर काउ ग्रेज, काउ ग्रेज ग्रेज द, एग्जैक्टली मैम, ग्रेजिंग करने के जो काम आते हैं. हाँ भाई, जो गाय होती है उसको घास चाहिए होती है खाने के लिए, ग्रेस करते हैं ना. तो अब अभी ग्रेजिंग लैंड्स क्या होते हैं? कुछ तो लैंड एरियाज ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली इन एनिमल्स के, जो कैटल होता है उसके लिए बनाया जाता है, एनक्लोज्ड एरियाज होते हैं. ठीक है, परमानेंट पैस्चर्स का मतलब वो लैंड जो कि परमानेंटली ग्रेजिंग लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसमें केवल और केवल गाय भैंसे चरती हैं, सो दैट दे यू नो फुल देयर दे यू नो व्हाट डू यू कॉल दे गो विद द फूड नीड्स दैट दे हैव. ठीक है, हरी घास खाते हैं, तो परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड उनको ये प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, अब दूसरा आपका आ गया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स. अब क्या होता है मिसलेनियस का मतलब? मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? मैं वही तो पूछ रहा था. अच्छा, मिसलेनियस का मतलब होता है जैसे हम अब कहते हैं ना कि हमारी पॉकेट मनी जो है उसमें हम इतना खर्च करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, इतना हम करते हैं बाहर खाना खाने के लिए, और इतना अमाउंट हम मिसलेनियस खर्चे रख लेते हैं. मतलब वो मिसलेनियस लैंड या मिसलेनियस यूज वो होता है जो कि हमें पता नहीं होता है कि इसके लिए हम कर सकते हैं, जो कभी भी हमारे पर आ जाता है miscellaneous expenses. Instantly मतलब other expenses. अब यहाँ पे miscellaneous tree crops क्या हुई? भाई वो areas, वो land जिनमें की regular cultivation नहीं होता है,
जहां पे बड़े बड़े बागान होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा डीलापीर जो 100 फुटा है, जब 100 फुटा से आप डीलापीर से का रूट लेके जब आप राजेंद्रनगर की तरफ जाते हो तो दोनों साइड पे बड़े बड़े आम के पेड़ लगे हुए हैं, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। तो ये जो लैंड है ये ग्रोव्स होते हैं। ग्रोव्स क्या मतलब क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो करी जाती है, ठीक है ऑर्चिड्स हो गए, बगीचे टाइप, फूल के बागान हो गए, आपके फलों के बागान हो गए, इनको हम ग्रोव्स, ठीक है, ऑर्चिड्स या ग्रोव्स, राइट? यस मैम। अब ये जो एरियाज होते हैं ये नेट जोन एरिया में नहीं आते, ठीक है। अब नेट जोन एरिया क्या होता है? नेट जोन एरिया वो होता है जहाँ पे एक एग्रीकल्चरल ईयर जो होता है उसमें कितनी बार उस लैंड में कल्टीवेशन हुआ वो नेट जोन एरिया कहलाता है। तो कह रहा है जब हम नेट जोन एरिया को कैलकुलेट करते हैं तब ये आपके ग्रोव्स और जो ऑर्चर्ड होते हैं इनको हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यस मैम। अब कह रहा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये हुआ आपका, ये हो गया, ये वेस्ट लैंड हो गया, ठीक है। कह रहा है कि वो लैंड जिसपे हमने पिछले 5 साल से बिल्कुल खेती नहीं करी है वो हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहलाता है, ठीक है, जिसको कि हमने कम्प्लीटली बिना किसी कल्टीवेशन के छोड़ा हुआ है, ठीक है। यस मैम। मतलब हमारे एग्रीकल्चरल ईयर हर साल एग्रीकल्चरल ईयर्स होते ही है ना, रबी खरीफ और जायद क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं। तो कह रहा है इन सीजन में जहाँ पे जब कल्टीवेशन नहीं होता है तो उसको हम जो है एग्रीकल्चरल ईयर कहते हैं, और 5 एग्रीकल्चरल ईयर से जिस लैंड में कोई कल्टीवेशन नहीं होता है वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। यस मैम। कमिंग टू द फेलो लैंड, कह रहा है फेलो लैंड्स क्या होते हैं? फेलो लैंड्स आपको पता है क्या होते हैं? नो मैम। Anybody in the class? Lovelish? Sachin? मैम वो गया, उसकी बैटरी डेड हो गई थी। उसकी बैटरी डेड हो गई, वो गया। सचिन? Yes मैम, उसने ग्रुप पे लिखा है। No मैम। अच्छा, मतलब आप लोग हाथ के हाथ करते रहते हो, मतलब है कभी ग्रुप कभी कुछ चेक करते ही रहते हो। No मैम, ऊपर से नोटिफिकेशन। अच्छा, नोटिफिकेशन आया। Yes मैम। चलो, ये कह रहा है अब फेलो लैंड्स वो लैंड्स होते हैं बेटा जिनको कि हम एक बार खेती करने के बाद छोड़ देते हैं नेचुरली उसकी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा है क्लास 9th में? यस मैम। है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है 4-5 साल तक एक लैंड एरिया को कल्टीवेट करा जाता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और नेचुरली 1-2 साल के लिए छोड़ के वो अपना कल्टीवेट अपना जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको वो रीगेन कर लेती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेलो लैंड्स। अब फेलो लैंड्स भी कैटेगराइज करा हुआ है इन लोगों ने, इन्होंने कहा कि एक फेलो लैंड होता है जो कि करंट फेलो कहलाता है, जिसमें कि हम एक एग्रीकल्चरल ईयर के लिए जो है बिना कल्टीवेशन के लैंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो लैंड जो कि पिछले 1 या 5 एग्रीकल्चरल ईयर से बिना कल्टीवेशन के छोड़ दिया गया है वो कहलाता है अदर देन करंट फेलो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अभी कहता है कि नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया अभी हमने आपको बताया कि भाई एक एग्रीकल्चरल ईयर में जून से लेके मतलब जून 2019 से लेके जुलाई 2020 में जो ईयर हुआ, जैसे फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, एकेडमिक ईयर्स होते हैं, ऐसे ही एग्रीकल्चरल ईयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल ईयर कहता है कि जहाँ पे एरिया जो कि एक से ज्यादा बार कल्टीवेट किया गया वो आपका आ जाता है नेट सोन एरिया प्लस ग्रॉस क्रॉप एरिया हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ग्रॉस क्रॉसिंग। हाँ जी, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये इतना? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पार्ट, इतना क्लियर हो गया सबको बेटा? यस मैम। कोई डाउट? यस मैम।
नो मैम नहीं ना, ठीक है चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। पढ़ो कार्तिक, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। And the use of land determined by both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition, etc. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometers. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam had not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir, occupied Pakistan and China have also been surveyed. Not been surveyed. Next, padho. Next, continue. Kartike. One minute. The land under permanent pasture has also decreased. However, we are able to feed our huge cattle population on this pasture. Pardon? On this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence, these lands are the cultivated ones or twice in about 2 or 3 years. And if these are included in the net shown area there, the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net shown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur and Nicobar Islands. ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया इसमें कार्तिक? मैं पढ़ रहा था इसलिए। अरे पढ़ते पढ़ते तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है, चलो कोई नहीं। मतलब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं, पढ़ाई के साथ समझते नहीं है, केवल पढ़ते हैं। No, ma'am. कह रहा है कि हमारे कंट्री का जो लैंड यूज पैटर्न है वो फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों पे डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर्स आपके हो गए टोपोग्राफी, क्लाइमेट या सॉइल टाइप, और ह्यूमन फैक्टर्स हो गए पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर एंड दी ट्रेडिशन। अब इतना ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी हमारे कंट्री में जो टोपोग्राफी है, किस जगह पे क्या चीज किस तरीके से इस्तेमाल होगा लैंड का, वो टोपोग्राफी डिसाइड करती है। ठीक है, किसी जगह का क्लाइमेट भी ये डिसाइड करता है कि वहां पे क्या चीज करी जाएगी, वहां इंडस्ट्री सेटअप होगी, और अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो किस चीज की सेटअप होगी। क्लाइमेटिक और सोशल टाइप और जो सॉइल टाइप्स है उसको देख के ये डिसाइड होता है कि भाई क्या ये सॉइल जो है इज इट गुड फॉर कल्टीवेशन और नॉट, और अगर इफ इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन तो किस तरह की कल्टीवेशन के लिए ये अच्छी है। जैसे अगर आप देखो तो हम ये कहते हैं ना कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल अच्छी रहती है कल्टीवेशन के लिए, ब्लैक सॉइल। तो अगर हमें ये बात पता ही ना हो कि किस किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी सॉइल गुड रहेगी तो हम जो सॉइल टाइप है उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहें कि राजस्थान जो कि एक बंजर इलाका है, जो कि एक डेजर्ट एरिया है, वहां पे अगर हम चावल उगाना चाहें तो क्या हम उगा पाएंगे? नो मैम। नो मैम। मजीद क्यों नहीं उगा पाएंगे बेटा? बिकॉज़ देयर इज सैंडी मतलब सॉइल। सैंडी सॉइल तो है पर पानी अगर हम दे तो मिल जाएगा ना, तो उगा ही लेंगे। मैम सॉइल मतलब मैम राइस और मैम ब्लैक सॉइल, दैट्स व्हाई मैम। एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि जो सॉइल टाइप राजस्थान में अवेलेबल है वो जो छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे मिलेट्स जो होते हैं उनके लिए फेवरेबल होता है, वो राइस के लिए नहीं होता है। क्योंकि राइस के लिए एक तो हमें लूमी सॉइल चाहिए होती है ना, जो कि क्योंकि जिसके अंदर पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी हो, और जो सैंड होती है सैंड में पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर हम राजस्थान में कोशिश भी करेंगे तो भी हमें रिसोर्सेज बहुत यूज करने पड़ेंगे। हो सकता है हम उगा भी लें पर हमारे रिसोर्सेज अननेसेसरी वेस्ट हो जाएंगे, है ना? यस मैम। अब ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन यदि आप देखो तो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन ज्यादा है,
ऐसा क्यों आपको पता है? मैम बिकॉज ऑफ देयर मैम रिवर्स, देयर आर वेरी रिवर्स. क्योंकि फर्टाइल रीजन है और वहां पे हर वो चीज अवेलेबल है इजीली जो कि एक इंसान को सेटल होने के लिए चाहिए होती है. लैंड अवेलेबल है, इजी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इजी फूड अवेलेबल है, ठीक है, इजी जॉब्स अवेलेबल है क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप है वहां पे, राइट? यस मैम. राइट, तो कह रहा है कि लैंड यूज पैटर्न है हमारे कंट्री में वो बहुत हद तक फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों पे डिपेंड करता है. अगर हम ज्योग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं तो वो ये कह रहा है कि ज्योग्राफिकल एरियाज में हमारे कंट्री के पास केवल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है एज पर द डाटा. अगर आप देखो तो केवल 93% ऑफ द टोटल लैंड जो है वो हम इस्तेमाल कर पाते हैं या जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है. वो लैंड एरिया जिसपे हमारा SSC नहीं है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है. भाई अरुणाचल वगैरह में, असम वगैरह में, अरुणाचल में बहुत सारा रीजन ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में जहां पे हम पहुंच ही नहीं पाए अभी तक क्योंकि इतना अनइवन और रफ टेरेन्स है. ठीक है? यस मैम. यस मैम. दूसरा कह रहा है कि वो एरिया जम्मू कश्मीर के अंदर है या चाइना ने जिन लोगों को जबरदस्ती हथिया लिया है उन एरियाज का भी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कुछ हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, उनके बारे में सर्वे ही नहीं हुआ है अभी तक. ठीक है? फिर हाँ में भी बहुत सारा लैंड है हमारा और अगर हम परमानेंट पैशन में लैंड को नहीं रखेंगे तो हमारे कैटल्स खाएंगे क्या? भाई कहाँ पे जाएंगे वो? खेतों में थोड़ी जाएंगे खाने के लिए, खेत में जाएंगे तो सारी फसल खराब कर देंगे. तो वो कह रहा है कि जो हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो बहुत ही अलग तरीके का है. ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना आप लोग? yes, हाँ. चलिए अब बेटा टाइम टू क्विट नाउ. दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, दूसरी क्लास भी हमारी आप ही के साथ है तो वी विल कंटिन्यू एंड यू नीड टू रीजॉइन. ओके, एज सून एज द थ्री ऑल थ्री सेक्शंस, ऑल द थ्री सेक्शंस टुगेदर बच्चे. एंड व्हिच ओके मैम सब्जेक्ट? ठीक है, व्हिच सब्जेक्ट? यस मैम.